गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 6। ओके, लास्ट टाइम वी हैव लर्न अबाउट द सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड्स क्या होते हैं? देखिए, वी बाय रॉ फूड्स फ्रॉम सुपर मार्केट एंड वेजिटेबल मार्केट। हम लोग क्या करते हैं, सुपर मार्केट और वेजिटेबल मार्केट से रॉ फूड्स खरीदते हैं। दिस रॉ फूड इज़ देन कुक्ड टू मेक इट एडिबल। और इस रॉ फूड्स को हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं और फिर उसको खाने लायक बनाते हैं। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट टू रॉ फूड। कुकिंग जो होती है, जो उसको जब हम लोग इसको पकाते हैं तो इसको वो खाने के टेस्ट के लायक बनाती है। वॉट इज़ द सोर्स ऑफ दिस रॉ फूड वॉट दैट वी बाय। तो इस रॉ का सोर्स क्या होता है, जहाँ से जैसे कि हम लोग इसको खरीदते हैं। तो वी गेट ऑल आवर फूड्स फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो जितने भी रॉ फूड्स होते हैं, या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ये आते कहाँ से हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। सो देखिए, फर्स्ट नंबर, प्लांट्स गिव अस फूड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज सीरल्स। प्लांट्स हमें कई तरह से फूड्स देते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर, सीरल्स मींस अनाज, पल्सेस मींस दालें, वेजिटेबल्स एवरीबडी नो फ्रूट्स, स्पाइसेस मींस मसाले, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल एंड बेवरेजेस। ठीक है, तो ये सारे हमारे फूड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट्स के द्वारा मिलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन बी ईटन एज फूड। डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वे सब हम लोग किसी न किसी रूप में खाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर, रूट ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिसेस। जैसे कि प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो रूट्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं, जैसे कि कैरेट आती है, गाजर एंड रेडिस मींस मूली। तो ये क्या होती हैं, ये रूट्स होती हैं जो कि हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, बहुत लोग सैलेड के रूप में खाते हैं। सेकंड नंबर, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स लाइक ओनियंस एंड पोटैटोस। स्टेम्स खाते हैं जैसे कि ओनियंस और पोटैटोस। ये क्या होती हैं, प्लांट्स की हमारी स्टेम्स कहलाती हैं। बट ये हम लोग इसको भी हम लोग खाने के रूप में यूज़ करते हैं। थर्ड इज लीव्स ऑफ प्लांट लाइक कैबेज एंड स्पिनेक। लीव्स जो होती हैं प्लांट्स की, वो भी हम लोग खाने के रूप में खाते हैं, जैसे कि कैबेज मींस बंद गोभी और स्पिनेक मींस पालक। वो भी सब्जी के रूप में आता है और हम लोग उसको खाने के रूप में खाते हैं, उसकी सब्जियाँ बनाकर खाते हैं। फ्रूट्स सच एज बनानास एंड ऑरेंजेस। और फ्रूट्स तो आपको पता है बहुत से होते हैं, जैसे कि बनानास, ऑरेंजेस, एप्पल, ग्रेप्स, बहुत से फ्रूट्स आते हैं। लास्ट नंबर, सीड्स लाइक चिक पीस एंड बीन्स। सीड्स भी आते हैं जो कि हम लोग खाते हैं, जैसे चिक पीस और बीन्स। सो फर्स्ट नंबर इज़ सीरल्स और ग्रेन्स। पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे सीरल्स और ग्रेन्स की। ओके, सीरल्स और ग्रेन्स इंक्लूड वीट, बाजरा, मेज, राइस एक्सेट्रा। सीरल्स और ग्रेन्स में क्या होता है, अनाज। सीरल्स और ग्रेन्स क्या होते हैं, अनाज होते हैं हमारे, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, वीट मींस गेहूं, बाजरा मेज मींस मक्का, राइस मींस चावल एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत से अनाज होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, जो कि हम लोग खाते हैं। सेकंड नंबर, पल्सेस दालें क्या होती हैं, दालों में हम लोग क्या क्या खाते हैं। पल्सेस आर द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। पल्सेस भी हमारी कहाँ से मिलती हैं, हम लोग को प्लांट से ही मिलती हैं। ये क्या होती हैं, प्लांट्स के सीड्स होते हैं छोटे छोटे जो हम लोग दालों के रूप में खाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपकी तूर दाल होती है, उड़द की दाल होती है, मूँग की दाल होती है, और भी बहुत सी दालें आप खाते हैं, वो सारी दालें क्या होती हैं, हमें प्लांट्स से ही मिलती हैं। तो पल्सेस भी हमें प्लांट्स के रूप में ही मिलता है, जो कि एक बीज के रूप में होते हैं और वो हम लोग दाल के रूप में यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर, वेजिटेबल्स। देखिए, वेजिटेबल्स कंस्टिट्यूट
एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। वेजिटेबल्स क्या होता है, हमारी डेली डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं। सम वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड पम्पकिन आर ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हम लोग केवल पकाने के बाद ही खाते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो लोग कच्चा भी खा लेते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर और पम्पकिन। क्या होता है, वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो हम लोग पकाने के बाद खाते हैं। अदर्स लाइक रेडिस कैरेट कैन बी ईटन रॉ। अदर्स जैसे कि रेडिस और कैरेट होती हैं, और भी बहुत सी सब्जियां होती हैं जो हम लोग रॉ के रूप में खा लेते हैं, मतलब कच्चा ही खा लेते हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर ट्रीज गिव अस फ्रूट्स सच एज एप्पल्स मैंगोस बनानास ऑरेंजेस एक्सेट्रा। प्लांट्स और ट्री से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने एज अ फूड में, जैसे कि एप्पल्स को, मैंगोस को, बनानास को और ऑरेंजेस को। ऐसे बहुत से फ्रूट्स होते हैं जो कि आप अपने फूड में यूज़ करते हैं। ओके, इट हैज़ फिनिश नाउ, नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट, एंड टुडेज़ योर होमवर्क इज़ राइट एंड लर्न अबाउट द सेंस ऑर्गन। आप लोग सेंस ऑर्गन के बारे में लिखेंगे, ओके, और मुझे सेंड भी करेंगे।